था, विश्व गुरु बना। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा को हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही शुष्क और रुष्ट बना चुके हैं। सरस्वती एक शैक्षणिक आइकन है, एजुकेशनल सिस्टम की आइकन समझी जाती है, सद्बुद्धि की आइकन है। वे हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए हैं। क्या यह देवी जो एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक लिए हैं, हमें यह कहते नहीं दिखती कि पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है? अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। किसी ने सच ही कहा है कि स्कूल के दीवार में दरवाजे भी रखिए, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। संगीत और वाद्य की स्रोत माँ सरस्वती हैं। हे अम्बु वीणा हाथ ले, हे अम्बु वीणा हाथ ले, फिर एक बार बजाए दे। ज्ञान का भंडार भर माँ, हे अम्बु वीणा हाथ ले, फिर एक बार बजाए दे। ज्ञान का भंडार भर माँ, हमारे हृदय में ज्ञान का भंडार भर। अंधकार भगाए दे, हे अम्बु वीणा हाथ ले। मृदु वाणी का बोल हो, शब्दों का माते जोड़ हो, भक्त अर्चना कर रहा है, जीवन की ज्योति जलाए दे। हे अम्बु वीणा हाथ ले, फिर एक बार वीणा बजाए दे। लेखनी में निखार हो, खुशियों की बहार हो, मेरे लिखे हुए शब्दों में माँ हमेशा ही प्रकाश हो। सारे बिगड़े काम हे अम्बे मेरा अब बनाए दे। हे अम्बु वीणा हाथ ले, एक बार वीणा बजाए दे। लेकर माँ सरस्वती यह बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। कृष्ण भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि यह ऋतु एक राग है, एक स्पर्श है। बसंत के चित्रण में मध्यकालीन चित्रों के कृष्ण की सबसे ज्यादा बात आती है। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अनादि अभोगी, ये जो है माँ पार्वती कहती हैं। लेकर मौसम की बहार, आया बसंत ऋतु का त्योहार, आओ हम सब मिलके मनाए, दिल में भर के उमंग और प्यार। बीड़ा लेकर हाथ में, सुरती हो आपके साथ में, मिले माँ का आशीर्वाद, आपको हर दिन हर बार हो मुबारक बसंत पंचमी का त्योहार। जीवन का यह बसंत खुशियाँ दे अनंत, भर दे जीवन में रंग, आई बसंत और खुशियाँ लाई, कोयल गाती मधुर गीत प्यार के, चार ओर जैसे सुगंध छाई, फूल अनेकों महके बसंत के। किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कापियां आपके साथ हो, पढ़ाई दिन रात हो, जिंदगी के हर इम्तिहान में आप सदा ही पास हो, यही माँ सरस्वती की इच्छा है। माँ सरस्वती इस दुनिया में सद्बुद्धि देती हैं, और जिनके पास सद्बुद्धि होता है वही जीवन में सफल होते हैं, सुखी होते हैं। माँ सरस्वती के 12 नामों का विवरण आता है हमारे शास्त्रों में। पहला नाम है भारती, सरस्वती, शारदा, हंस वाहिनी, जगती, बागेश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति। अलौकिक आनंद अनोखी छटा, अब बसंत ऋतु आई है, कलिया मुस्काती हंस हंस गाती, कलिया मुस्काती हंस हंस गाती, पुरवा पंख डोलाई है। महक उड़ी है चहके चिड़िया, भौरे मतवाले मंडरा रहे हैं, 16 श्रृंगार से क्यारी सजी है, सब पानी का आ रहे हैं। लगता है इस चमन बाग में फिर से चांदी उग आई है, अलौकिक आनंद अनोखी छटा, अब बसंत बसंत ऋतु आई है, कलिया मुस्कुराती हंस हंस गाती, पुरवा पंख डुलाई है। इस तरह से माँ सरस्वती का हम लोग जन्मोत्सव बनाते हैं। और सिर्फ माँ सरस्वती, आप बहुत सारे ऐसे कार्य देखेंगे हमारे भारतीय संस्कृति में जो बसंत पंचमी के ही दिन हुए हैं। सरस्वती स्त्रोत्र में कहा गया है, सरस्वती नमस्यामि चेतनाम हृदय संस्थिताम, यानी सरस्वती हृदय में स्थित हो, सरस्वती हृदय में स्थित हो। और बसंत भी कोई तिथि नहीं है, यह तो हृदय की एक अवस्था है। यदि यह हृदय में नहीं है तो उसे केसर रंग रंगे, एक हृदय अवस्था है। एक हम लोग गांव में बसंती बुखार कहते हैं। बसंती बुखार का मतलब होता है दिल टूटा तो नहीं रहता, लेकिन कुछ छूटा सा रहता है, कुछ एक आलस सा रहता है, कुछ ऐसा रहता है जब हमें नहीं मिला। इसी बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री
के हाथ खट्टे बैर खाए थे। यह कहानी बहुत ही प्रचलित है कि भगवान राम सबरी के हाथ बैर खाए। यह भी एक महज संयोग था कि यह भी बसंत पंचमी के दिन हुआ। कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दिए, उसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। महके लाग बा उपबन फिर से, चहके लाग बा माली, मधुमास आगमन सुन के अब तो हंसे लाग बा क्यारी। मुस्काए कली जब करे ठिठोली, हिले लागे डाली, व्याकुल भ्रमर रस चुस सके न, करवे हमहु रखवाली। कोयल पतझड़ भाप रही है, बोलेगी बोली प्यारी, यमन से सज धज कर घर में आवेगी घरवाली। पेड़ से जब जब गिरेंगे पत्ते, धरा बजाए ताले, कुछ दिन में जो घने हैं जंगल लगेंगे खाली खाली। उड़ेगी खुशबू जब फूलों से, फलों की आएगी बारी, केसु खिलेंगे अब बन उपवन, छाएगी लाली लाली। यह बसंत ऋतु माँ सरस्वती के साथ ही साथ हम लोग कहते हैं कि जो कामदेव थे, जो प्यार के अंत जिसको कह सकते हैं, या प्यार की असीम छटा जो उसको कह सकते हैं, जो इसको सुंदरता की असीम छटा कहते हैं, जो प्यार प्रकट करते हैं दो दिलों में, कामदेव, इस कामदेव के पुत्र का नाम बसंत था। जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिए, तो कहीं ना कहीं प्रकृति में एक कमी खल रही थी कामदेव की, यह प्यारी और सुंदर वातावरण की। तो इसके लिए उन्होंने, शंकर भगवान ने बसंत का आगमन किया, बसंत को उस दुनिया को सौंपा कि तुम जाओ इस दुनिया में, न ठंड ज्यादा न गर्मी ज्यादा, सरसों की पीली पीली और फूलों की महकती खुशबू के बीच में लोगों के बीच आनंद दो। बंसलोत्सव, बंसल को एक उत्सव बनाओ। इसी बसंत में हम लोग होली भी खूब उड़ करके गुलाल खेलते हैं, मस्ती करते हैं। उड़ उड़कर अंबर से आती, उड़ उड़कर अंबर से जब धरती पर आता है, देख के कंचन बाग को अब भ्रमरा भी मुस्काता है। कलियों पर जाके प्रेम का गीत सुनाता है, अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल नहीं ले जाता है। कभी कभी कलियों में छुपकर संग में सो रात बिताता है, गेंदा गम के महक बिखेरे उपवन को आभास दिलाता है। वह ब्यारिया मधुरम मधुरम प्यारी कोयल गीत जो गाए, ऐसी बेला में उत्सव हो जब बाग देवी भी तान लगाए। आओ बसंत बदल गई ऋतुए, हंस यौवन श्रृंगार सजाए। यह एक बुजुर्ग का भी यौवन जाग उठता है, इसी को हम लोग बसंत कहते हैं। मन जो है हृदय के अंदर बसंत जाग उठता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार ही। यह हमारी संस्कृति की एक सौभाग्य है कि हमें ऐसे ऐसे पर्व दिए गए हैं। ये माँ सरस्वती की कृपा इस पे बरसती है, और इस विद्या गुरु से आप विश्व गुरु बन सकते हैं। जरूरत है हमें माँ सरस्वती के समझने की, माँ सरस्वती की कृपा की, हमें सद्बुद्धि की। हमें बादाम खाने से दिमाग नहीं मिलता है, बल्कि ठोकर खाने से हमें सद्बुद्धि आती है, सरस्वती जी की कृपा भी आती है। सिर्फ जीवन में लक्ष्मी से काम नहीं चलता है, लक्ष्मी स्वयं आती हैं जब माँ सरस्वती आपके साथ आ जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं। शंकर भगवान की विशेष कृपा जिनके ऊपर रहती है, उनके ऊपर माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। अतः सरस्वती पूजा का यह प्यारा त्यौहार जीवन में खुशियाँ लाएगा अपार। सरस्वती विराजे आपके द्वार, आपके हृदय में भरे स्नेह हजार, शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार। बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सहस शील हृदय में भर दे माँ सरस्वती आपके, जीवन त्याग से भर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे माँ सरस्वती आपके जीवन में, उल्लास भर दे, उत्सव भर दे, बसंत भर दे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।